हे गाइस, कंप्यूटर मेलोड में फिर से आज एक मजेदार अनबॉक्सिंग के साथ हाजिर हूँ। आज मेरे पास देख पा रहे हो आप यूएसबी एलईडी फैन, यानी कि एक छोटा सा फैन है। तो आप देख के सोच रहे होंगे कि या फिर इस छोटा सा एलईडी फैन में जैसे क्या है, लेकिन मैं भी हैरान हूँ कि इस छोटा सा फैन में आखिर ऐसा फीचर्स है जो देख के आप भी हैरान हो जाओगे। है तो छोटा सा फैन, लेकिन इसमें काफी सारी डिजाइन है और इसमें जो फीचर्स है वो हैरान करने वाले हैं। तो मैं आज आपको इसे अनबॉक्स करके दिखाऊंगा और इसके अंदर क्या क्या फीचर्स है सारी डिटेल्स मैं आज आपको दिखाऊंगा। सो हे गाइस, इसे अनबॉक्स करने से पहले आपने अभी तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए एंड जो बेल आइकन है उसे भी दबा लीजिए, क्योंकि मैं इसी तरह मजेदार अनबॉक्सिंग लाते रहता हूँ जो बहुत ही काम के होते हैं। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं इसे अनबॉक्स करके कि इसका फीचर्स क्या है और ये कैसा दिखता है। तो कुछ नहीं, ये एक मामूली सा पैकेज है। तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा जहां से आप इसको खरीद सकते हो। तो इस पैकेज को हम ओपन करते हैं। इसके अंदर आपको एक ऐसे यूएसबी केबल मिल जाता है, जिस यूएसबी केबल से आप इसे कंप्यूटर के साथ कनेक्ट कर सकते हैं और इसका जो फीचर्स है उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। तो आप देख सकते हो फैन एक मामूली सा फैन है और आपको यहाँ पे एक स्विच ऑन ऑफ का बटन मिल जाता है और यहाँ आपको आप देख सकते हो यहाँ आपको यूएसबी इंसर्ट करने का ऑप्शन मिल जाता है, जिस ऑप्शन से आप इसको कंप्यूटर के साथ कनेक्ट कर सकते हो और इसे आप किसी चार्जिंग एडाप्टर 5 वोल्ट चार्जर एडाप्टर या फिर कंप्यूटर कहीं पे भी यूएसबी आप देख सकते हो इस तरह यूएसबी है, यूएसबी से कनेक्ट करके चला सकते हो। तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ पहले कि ये कैसा दिखता है। तो मैं आपको अपना लैपटॉप पे इसे कनेक्ट करके दिखा देता हूँ। तो आप देख सकते हो जैसे मैंने इसको अपना लैपटॉप में कनेक्ट किया तो देख सकते हो इसके अंदर जो टेक्स्ट आ रहा है वेलकम आई लव यू, जो टेक्स्ट मतलब इसके अंदर दिया हुआ है इसको आप मॉडिफाई कर सकते हो। इसके अंदर आप अपना नाम लगा सकते हो, अपना शॉप का नाम लगा सकते हो कंप्यूटर से कनेक्ट करके अपने मन पसंद आप डिजाइन कर सकते हो इस फैन का। तो आप देख सकते हो इस छोटा सा फैन के अंदर क्या क्या फीचर्स लगाया गया है। कैमरे में इतना अच्छा नहीं लग रहा है क्योंकि ये हवा दे रहा है तो इसलिए क्लियर नहीं आ रहा है, लेकिन आप जब ऐसे ही देखोगे इसको तो काफी सुंदर लगता है। तो आपने देख लिया इसके अंदर क्या फीचर्स है इसका। तो अब मैं इसको मॉडिफाई करके दिखाता हूँ। इसके अंदर आपको एक सीडी ड्राइवर मिलता है जिसको मैंने निकाल लिया है, उसमें आपको एक सॉफ्टवेयर मिलता है, उस सॉफ्टवेयर से इसको आपको मॉडिफाई करना पड़ता है। तो चलिए इसे मैं अपने कंप्यूटर में कनेक्ट करके मॉडिफाई करके दिखाता हूँ। तो इसे हम खोल लेते हैं। और आप देख सकते हैं ये यूएसबी केबल मैं अपने कंप्यूटर पे इंसर्ट कर लेता हूँ और आप देख सकते हैं यहाँ पे इसका तो देखिए मैंने इसको इंसर्ट कर दिया। अब इसको हम रख देते हैं और चलिए कंप्यूटर स्क्रीन में जाके देखते हैं। तो फ्रेंड्स, इसका जो ड्राइवर है, इसका जो सॉफ्टवेयर है, उसका जो फोल्डर है वो ये है यूएसबी फैन। तो इसको हम ओपन कर लेते हैं। देन इस पे आपको दो फोल्डर मिलता है, एक इंग्लिश पे मिलता है, एक चाइनीज पे मिलता है। तो आप ऊपर वाला इंग्लिश को खोल लीजिए, देन दूसरी जो फोल्डर है इसको हम ओपन कर लेंगे। देन यहाँ पे एलईडी फैन एक ऑप्शन दिखा रहा है, एलईडी जो फैन ऑप्शन दिखा रहा है इस पे आपको क्लिक करना है। देन ऐसे इसका सॉफ्टवेयर खुल जाता है। तो यहाँ पे आप देखिए रिसीप
रिसीव जो ऑप्शन है इस पे आपको क्लिक करना है। तो जैसे ही आप रिसीव पे क्लिक करोगे तो आपका जो फैन है वो कनेक्ट हो जाएगा। देखिए यहाँ पे फैन कनेक्ट हो चुका है एंड यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है आई लव यू। देन इसके पास एक पेन का आइकन है, गुड लक इसके पास पेन का आइकन है, यानी कि ये सब टेक्स्ट इसके अंदर दिया हुआ है, तो इसको आप चेंज कर सकते हो। तो जैसे कि मान के चलिए मैं आई लव यू को चेंज करूंगा, तो इस पेन पे आपको क्लिक करना है। देन यहाँ पे देखिए आई लव यू आ गया। तो नीचे यहाँ पे देखिए टेक्स्ट जो बॉक्स है इस पे आपको लिखना है। तो इसे हम चेंज करके दूसरा कुछ लिख देते हैं। तो हम यहाँ पे अपना चैनल का नाम लिख देते हैं। तो हम यहाँ पे फर्स्ट एक आइकन ले लेते हैं, लव का आइकन ले लिए, ये डबल है इसे हम कैंसिल कर देते हैं, एक सिंगल लव ले लिए। देन यहाँ पे हम अपने चैनल का नाम लिख लेते हैं। चैनल के नाम लिख दिए और लास्ट में हम यहाँ पे एक लव लगा देते हैं। तो जैसे ही आप टेक्स्ट को कंप्लीट कर लेते हो तो आपको यहाँ पे एक ओके का ऑप्शन मिलता है, तो ओके कर दीजिए, तो आई लव यू की जगह ये सेट हो गया। उसी तरह आप गुड लक जो यहाँ पे लिखा हुआ है इसको चेंज कर सकते हो, वेलकम जो लिखा हुआ है इसको भी चेंज कर सकते हो, जो आपको मर्जी जो टेक्स्ट आप इसके अंदर घुसाना चाहते हो कर सकते हो। और यहाँ से आप स्टार्ट करके देख सकते हो कि कैसे आ रहा है। देखिए इसका जो डिजाइन है इसको आप चेंज कर सकते हो यहाँ से, यहाँ पे जैसे कि राइट टू लेफ्ट है, लेफ्ट टू राइट है, मिडिल है, मिडिल में करोगे तो मिडिल से शुरुआत होगा, देखिए मिडिल से शुरुआत हो रहा है, राइट टू लेफ्ट करोगे तो राइट टू लेफ्ट होगा, काफी सारे डिजाइन है आप मनपसंद आप यहाँ से कर सकते हो। देन आप यहाँ पे कलर चेंज कर सकते हो, अगर आप कलर पे क्लिक करते हो तो रेड है तो इसको आप ग्रीन कर सकते हो, जैसे कि ग्रीन हो रहा है, आप इससे ब्लू कर सकते हो, येलो कर सकते हो, तो इसे हम रेड ही रखते हैं, नहीं ब्लू कर देते हैं। देन आपका अगर सब कुछ कंप्लीट हो चुका है तो आप यहाँ से सेव कर लीजिए, आप यहाँ से अपने फोल्डर में सेव करके रख सकते हो। तो सारे डिजाइन आपका कंप्लीट होने के बाद यहाँ पे आपको सेंड पे क्लिक करना है, तो ये अपने फैन में सेंड हो जाएगा और ये डेटा आपका फैन में चला जाएगा और वो सेट हो जाएगा, सेंड ओके। देन आप ओके पे क्लिक कीजिए। तो देखिए हमने जो मॉडिफाई करना था वो मॉडिफाई कर लिए, हम एक नाम सिर्फ चेंज किए। देन इसे क्लोज कर देते हैं। सेव कर लीजिए, देन क्लोज। अब चलिए फैन को लगा के देखते हैं कि वो टेक्स्ट हमारा चेंज हुआ कि नहीं। तो हम यूएसबी को खोल लेते हैं, यहां से कंप्यूटर से यूएसबी को खोल लिए और फैन से हम इसको निकाल लेते हैं और इसे साइड में रख देते हैं। और अभी हम इस फैन को लगा के देखते हैं हमने जो टेक्स्ट सेट किया इसके अंदर वो सेट हुआ कि नहीं। तो आप देखिए यहाँ पे जो पहले आई लव यू आ रहा था यहाँ पे अभी कंप्यूटर मेलोडी शो कर रहा है। तो ये आप अपने शॉप पे लगा सकते हो, काफी अच्छा दिखता है। इसका जो फीचर्स है मुझे पर्सनली बहुत ही अच्छा लगा, एक छोटा सा फैन इसके अंदर कितना कुछ है यार, इसलिए मैंने आपको अनबॉक्स करके इसको दिखाया, इसका फीचर्स जो है वो दिखाया। उम्मीद करता हूँ आपको ये फीचर्स अच्छा लगा होगा, छोटा सा फैन का जो फीचर्स है वो बहुत ही अच्छा है और हवा भी काम चलाने लायक है। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।